Hello everyone, a very warm welcome to once again Physics Asylum. And हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस 11th क्लास चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक वहां पर डिस्कस किया था. एंड सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल. ये दी हुई है 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड इसकी थिकनेस दी हुई है 2.01 सेंटीमीटर. ये चीजें मीटर में दी हुई है और यहां पर थिकनेस जो है वो सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है. सो दे आर आस्किंग गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब कभी भी हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर के अंदर उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जो कि मिनिमम नंबर के अंदर होंगी. यानी कि अगर हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां पर भी चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर के अंदर भी केवल चार सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं. अगर हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और एक के अंदर पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पर फाइनल आंसर के अंदर हमारी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम डिवाइड कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज द सेम थिंग. ठीक, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज द सेम थिंग. इफ आई एम राइटिंग 2/3, दिस सिंपली मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग 2 × 1/3. दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर. सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज द सेम थिंग. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर ऑल्सो द सेम थिंग. तो पहले बात करते हैं हम एरिया की. अब ये क्यूबॉइड हो गया, एक बड़ा सा क्यूबॉइड हो गया, इसकी कुछ थिकनेस है और सरफेसेस हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2lb + bh + hl. ठीक है, दो फेसेस lb, bh and hl. टोटल किसी भी क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं. सो ऑल द 6 फेसेस आर देयर. नाउ लेंथ इज 4.234 एंड ब्रेथ इज दिस 1.005 मीटर. फिर हमारे पास ब्रेथ इज 1.005 मीटर एंड हाइट इज, दैट इज द थिकनेस इज 2.01. ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10^-2 से मल्टीप्लाई कर. देन h × l, थिकनेस इज 2.01, इसको मीटर में कन्वर्ट किया × 10^-2 एंड लेंथ इज 4.234 मीटर्स. सो ये पूरा आंसर हमारा आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर. इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4.25517. इनको मल्टीप्लाई किया हमको मिलेगा 0.02020 एंड इसको मल्टीप्लाई किया 0.08510. नाउ सर, इफ यू विल ट्राई टू सी हियर, यहां पर हमें हर एक नंबर के अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट रखने होंगे. अब हमारी इस क्वांटिटी के अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं यहां पर भी केवल चार सिग्निफिकेंट फिगर तक रिटेन करूंगा और इस वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर दूंगा. डेसिमल के बाद जो ये पूरा पार्ट है इसको मैंने इग्नोर कर दिया. अब इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ उतने डेसिमल पॉइंट रखने होंगे जो जिस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर चार ही रखनी थी तो उसको हटा दिया, और यहां पर अब मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4.360. और ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर. ये बात हो गई एरिया की. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम सिंपली हो जाएगी l × b × h. लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना ना भूले. और फाइनल आंसर के अंदर हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर किया है तो जिस नंबर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मैं उसकी रिटेन करूंगा. यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 3 है. जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि मुझे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है. यहां पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यही मेरा आंसर होगा. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाई अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 kg. सबसे पहले ध्यान दें यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. डेसिमल नंबर है, उसके अंदर जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, तो यहां पर हमारी चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं.
और सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का रूल अगर आपको जानना है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, the rules to count the significant figures. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. So what is the total mass of the box? पहला पार्ट देखते हैं, बैलेंस का मास है 2. जो हमारे पास बॉक्स है इसका मास दे रखा है 2.300 kg. दिस इज 20.15 ग्राम. सो 20.15 ग्राम को जब मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा सो इट इज 0.2015 kg. ओके 0.2015 kg. जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इट वुड बी 0.02017 kg. सो इनको जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे जिस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट है उतने डेसिमल पॉइंट तक मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा. तो यानी कि ये जितनी भी डिजिट्स हैं इनको मैं इग्नोर कर दूंगा. यहां पर पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट हमने ली हुई है तो बाकी नंबर्स में भी हम 3 ही लेंगे और इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं. सो दिस वुड बी 0.432. तो द आंसर इज 2.340 किलोग्राम अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज दिस. Now, sir, the next thing is, second part is the difference in the masses of the pieces to correct significant figures. In dono pieces ke jo mass mein difference hai usko hume nikalna hai. So, one is 20.17 and one is 20.15. Both are given in grams. Decimal point bhi dono ke andar same hai. So, seedha isko subtract kar denge. This is 2, this is 0. So the difference is 0.02. The difference is of 0.02 gram. So let us move on to the next question. A physical quantity P is related to 4 observables A, B, C and D as follows. P depend कर रही है 4 quantities के ऊपर. A, B, C, D relation यहाँ पर दिया हुआ है. A cube B square divided by under root of C into D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 2% respectively. So what is the percentage error in the quantity P? Sir, we did this question in जब मैं एरर्स को डिस्कस कर रहा था और जब हम कुछ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. मैंने आपको बताया था कि वहां पर रिलेटिव एरर्स आपस में ऐड हो जाते हैं या जो परसेंटेज एरर हैं वो ऐड हो जाएंगे. अगर हम क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस के अंदर सीधा सीधा एब्सोल्यूट एरर हमारे ऐड हो जाते हैं. लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की बात होगी वहां पर रिलेटिव एरर्स को हम आपस में ऐड करते हैं. ये भी तो मल्टीप्लीकेशन ही है. ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर. और ए क्यूब क्या है? दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन. ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो यहां पर जो रिलेटिव एरर होगा हमारा पी के अंदर राइट हैंड साइड पर इन सबके रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे. ए क्यूब है तो यहां पर ये हो जाएगा 3 times डेल्टा ए बाई ए. और यही क्यों हुआ इसके लिए प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़ी हुई है कि हम क्या रूल्स हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वहां पर एरर प्रोपोगेशन के क्या रूल्स हैं. रूल यही है मल्टीप्लीकेशन के केस में रिलेटिव एरर हमारे ऐड हो जाते हैं और जो भी पावर्स होंगी वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती हैं. प्लस 2 into delta b by b क्योंकि b की पावर यहां पर 2 है. प्लस सो मल्टीप्लीकेशन डिविजन इज इफेक्टिवली द सेम थिंग. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़े है. मैंने अभी आपको बताया था डेट 2 by 3
दिस इज 2 × 1/3, दो नंबर को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं. सो 2 × ∆B/B एंड रूट सी, यानी कि सी की पावर कितनी है 1/2, सो 1/2 ∆C/C प्लस डी, दिस इज सिंपली ∆D/D. डिवीजन में कुछ ही है, हमारे जो भी रिलेटिव एरर्स हैं वो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे. और फाइनली अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी डी दीज आर ऑलरेडी गिवन. ये जो 1% दिया हुआ है, इट मींस दिस इज ∆A/A इनटू 100. जो 3% दिया हुआ है, इट मींस ∆B/B इनटू 100 इज 3%. सो ∆B/B इनटू 100 इज 3%. देयरफॉर वी आर हैविंग 3 इनटू, ये है हमारे पास 1% प्लस ∆B/B, दिस इज 3% प्लस 1/2 ∆C/C, दिस इज 4% दिस इज 4% एंड ∆D/D, दिस इज 2%. सो हमारे पास ये निकल कर आया 3 + 6 + 2 + 2, सो दिस इज 13%. द परसेंटेज एरर इन पी इज 13%. अगर इन सब के अंदर हमको एरर पता हुआ है और पी किस तरीके से रिलेटेड है ए बी सी डी से, ए बी सी डी के अंदर हमको एरर्स पता हैं, तो पी के अंदर भी हमको परसेंटेज एरर यहां पर पता लग जाएगा. द नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग द अबव रिलेशन, पी की वैल्यू जो निकल कर आई 3.763, यहां पर 4 डिजिट्स हैं. सो टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट. अब हमें ए बी सी और डी इनकी वैल्यूज नहीं पता है कि किस रेंज में ये वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन ए के अंदर परसेंटेज एरर हमको पता है, यानी कि ए की जो वैल्यू है इसके अंदर एरर कितना होगा. दिस वुड बी 1% ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए एंड ए प्लस माइनस डेल्टा ए. तो कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा रहे थे कि ए के अंदर 2 डेसिमल पॉइंट होंगे, तो उसी लिहाज से अगर हम यहां पर देखें तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3.8 तक. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते जब तक हमको ए बी सी डी की वैल्यूज नहीं पता होंगी, बट वी कैन राउंड इट ऑफ टू 3.8. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ अ पार्टिकल अंडर गोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन. अब यहां पर कुछ फॉर्मूलाज हमको दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि एक किताब के अंदर ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं और किताब के अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इन फॉर्मूलाज के अंदर कुछ मिस्टेक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल undergoing a certain periodic motion. A is the maximum displacement of particle. V जहां पर है, V means the speed of the particle. T means the time period of motion. So you have to rule out the wrong formulas on the dimensional ground. Dimensional analysis के basis पर इनमें से कौन सा formula गलत हो सकता है ये हमको बताना है. साफ साफ दिया हुआ है कि Y का meaning इन सभी formulas के अंदर, Y को आपको समझना है displacement. Y is displacement in all of these relations. So Y is displacement. A is also displacement. Sir, Y displacement है, A is displacement. अगर A displacement है तो ये multiply होना चाहिए एक dimensionless quantity से. Left hand side पर displacement है तो right hand side पर भी displacement चाहिए. A दिया हुआ है, A is displacement. Displacement यानी कि हम length measure कर रहे हैं. तो ये जो क्वांटिटी है साइन ऑफ 2π T/T, ये हमारी डायमेंशनलेस होनी चाहिए. और साइन कॉस ये नंबर्स के डिफाइन होते हैं, दैट इज 2π T/T, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए. सो 2π T, भाई साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का डिफाइन है ना, इनकी कोई डायमेंशन थोड़े है.
नंबर का हम निकालते हैं साइन को, साइन साइन टू साइन थ्री साइन फोर थर्टी सिक्सटी, सो टू पाई टी बाई टी, टी यहाँ पर टाइम है, टी भी टाइम है, टू पाई एक नंबर है, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई, यानी कि हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पर सही है। अगर दूसरे फॉर्मूला को देखें, वाई तो डिस्प्लेसमेंट है ही, ए ये भी हमारे पास लेंथ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है ही, साइन ऑफ वी इंटू टी, वी इज एल बाई टी एंड दिस इज टी, सो सर साइन ऑफ वी टी, यानी कि वी टी की डायमेंशन यहां पर लेंथ की है, ये फॉर्मूला हमारा सही नहीं हो सकता। साइन या कोसाइन हम डायमेंशनल क्वांटिटीज का डिफाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वाई इक्वल्स टू ए बाई टी इंटू साइन टी बाई ए, ये नंबर हमारे पास डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला भी साफ साफ गलत दिख रहा है। दिस इज ए बाई टी, ए इज लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम इज स्पीड, बट वाई इज डिस्प्लेसमेंट। हम कभी भी यहां से इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ये स्पीड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अब डी वाला पार्ट देखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ए बाई रूट टू, ए डिस्प्लेसमेंट, इसको रूट टू से डिवाइड कर दिया तो भी रहेगा, तो डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का ही, साइन ऑफ टू बाई टी बाई टी प्लस कॉस ऑफ टू बाई टी बाई टी। सो यहां पर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ये भी डायमेंशनलेस है, कॉस का आर्ग्यूमेंट ये भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि टाइम को टाइम से डिवाइड किया है, और साइन ऑफ सम एंगल ये एक नंबर देगा, कॉस ऑफ सम एंगल ये भी एक नंबर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि एक नंबर से, तो ये फॉर्मूला भी हमारा सही है, ये फॉर्मूला भी हमारा सही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है फिजिक्स के अंदर, और ये दो तरह के मास को रिलेट कर रहा है। राइट हैंड साइड पर इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास मींस जब पार्टिकल हमारा रुका हुआ है उस समय पर आप उसका जो मास मेजर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, और ये जो मास है दिस इज द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो मूविंग मास इज रिलेटेड टू द रेस्ट मास। कहने की बात ये है, थोड़ा एक काउंटर इंट्यूटिव ये कॉन्सेप्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अगर मैं मास की बात करूंगा, जब ये रुका हुआ है आप इसको मेजर करोगे, जो आप मेजर करोगे वो आप रेस्ट मास मेजर करोगे। अब इमेजिन करो कि ये क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट 70% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर दिया, जब ये 70% स्पीड ऑफ लाइट से या 50% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो मैं जो इसका मास मेजर करने वाला हूं वो कुछ अलग मेजर करूंगा। तो यानी कि मास भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है, मेरे लिए जब ये मूव कर रहा है इसका मास अलग है, मैं इसके ऊपर जब मेजरमेंट करूंगा मैं इसका मास अलग पाऊंगा, और जब मेरे लिए रुका हुआ है उस समय पर मास जो है वो है रेस्ट मास। ओके, सो एक रिलेशन है जो रिलेट करता है मूविंग मास को रेस्ट मास से, एंड दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 के अंदर कुछ अपने पेपर पब्लिश किए थे, और उनमें से एक पेपर था स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में, एक पेपर था ब्राउनियन मोशन, और एक पेपर उन्होंने लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस समय पर किसी को समझ नहीं आई तो इसको इग्नोर कर दिया गया। अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कॉन्स्टेंट सी। अब बच्चा एग्जाम के अंदर लिखने को आया है फॉर्मूला, उसको ये तो याद है कि कहीं पर सी लगाना था कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट सी हम कहां पर लगाएं? बच्चे के सामने ये दुविधा है, एग्जाम के अंदर भूल गया कि यार फॉर्मूले में एक सी भी था, नीचे 1-v² भी पक्का था, और इसका अंडर रूट भी पक्का था। अब सर सेम चीज है, अंडर रूट इज डिफाइंड फॉर द नंबर्स, यानी कि इस अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नंबर होना चाहिए, डायमेंशनलेस। वी क्या है? स्पीड, और ये पूरी चीज हमारी अंडर रूट के अंदर है, और ये क्वांटिटी मुझे चाहिए डायमेंशनलेस। वन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, वी इज स्पीड, सी है स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको मुझे डायमेंशनलेस करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? स्पीड को स्पीड से ही डिवाइड कर देता हूं,
So it is V by C square. V by C dimensionless हो जाएगा. So this is a dimensionless quantity. One minus a dimensionless quantity. एक आपको real number ही मिलेगा और V by C one से छोटा है. उसका under root लोगे आपको एक number मिलेगा. तो यानी कि M is some constant times M naught. So ये जो factor K है, ये factor depend कर रहा है particle की speed के ऊपर. जितनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, जब V C के बराबर हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट अप्रोच करेगा. जैसे जैसे पार्टिकल की गति बढ़ती है, इस K की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसका जो मास ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो मास उसका इंक्रीज होता जाएगा. अभी बस डायमेंशनल एनालिसिस से ये C सिर्फ यहां पर फिट हो सकता है. इस इक्वेशन के क्या फिजिकल कॉन्सिक्वेंस हैं वो हम किसी और क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 11th क्लास की स्टार्टिंग है और रिलेटिविटी समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना भी समझने होंगे. यानी कि हम रिलेटिविटी की बात कर सकते हैं क्लास 12th के एंड में, जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे और जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनके सिद्धांत पढ़ चुके होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम. एटम बहुत ज्यादा छोटा है, कितना छोटा है, 10th billion ऑफ अ मीटर. सो वन एंगस्ट्रॉम इज 10^-10 मीटर, यानी के 10th billionth ऑफ अ मीटर. दिस साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम. साइज की बात की है तो यानी के हाइड्रोजन एटम की रेडियस आपको दे दी 0.5 एंगस्ट्रॉम. कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्होंने यहां पर दी हैं, 1.5 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. सो व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. एस्टिमेट करनी है हमको द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. सो वॉल्यूम इज, इसको हम एक स्फीयर मानेंगे किस रेडियस का, 0.5 एंगस्ट्रॉम. सो दिस वुड बी 4/3 पाई R cube. R is 0.5. It is 1/2 angstrom. So 1/2 cube and 1 angstrom किसके बराबर है? 1 angstrom is 10^-10 cube of this. ठीक है, 1/2 का cube, angstrom का cube, angstrom के अंदर 10^-10 meter है. So 10^-10 cube. अब निकालना है फॉर द वन मोल, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो मोल इज 6×10^23. इसको हमने ये लिख लिया, दिस इज 6×10^23. सो वी आर हैविंग 6×4×1/3×8 and multiplied by 10^-30+23. और क्या छूट गया, 3.14 पाई छूट गया यहां पर, 3.14. Now, so 6×4×24, 8×3×24, and we are left with 3.14×10^-7. Volume is 3.14×10^-7, और इसी को हम, क्योंकि यहां पर एक ही significant figure थी, तो मैं एक ही significant figure को retain करता हूं, that is 3×10^-7 meter cube is the answer. 3×10^-7 meter cube is the answer. Moving on to the next question. One mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter, which is also known as the molar volume. Okay, एक मोल अगर आप किसी भी आइडल गैस का लोगे तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्यूपाई करता है 22.4 liter. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मतलब है यानी कि वो टेम्परेचर जो 273 केल्विन के बराबर है, यानी कि जो 0°C के बराबर है, और वो प्रेशर जो 1 atmosphere के बराबर है, एंड 1 atmosphere इज इक्वल टू 101325 पास्कल्स.
So this is equal to 1.01 into 10 to the power 5 pascals approximately. Okay, so this is the standard temperature and pressure. What is the ratio of the molar volume to atomic volume of a mole of hydrogen? So molar volume to humko diya hua hai 22.4 liters. Molar volume is 22.4 liter. Ek aur conversion aap likh sakte hain that 1 liter is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. अब ये कैसे आएगा सर? 1000 सीसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है एक लीटर के. 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर होता है एक लीटर के. यानी कि एक लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? 1000. अब एक सेंटीमीटर की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं. एक सेंटीमीटर की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. एंड सेंटीमीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर इज दिस. So, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ये हो गया माइनस 6 और ये है हमारा 1000. यानी कि 1 लीटर हमारा निकल कर आया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. सो मोलर वॉल्यूम हमको दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर है और हमको कह रहे हैं कि रेशो निकाल दो. फाइंड द रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम. सो मोलर वॉल्यूम दिस इज 22.4. एटॉमिक वॉल्यूम लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने निकाली है. एटॉमिक वॉल्यूम इस बार कहा है कि आप साइज एस्टिमेट करिए हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का. 1 एंगस्ट्रॉम है. सो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इंटू 4 अपॉन 3 इंटू पाई इज 3.14 एंड आर क्यूब इज सिंपली 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30. सो दिस विल टर्न आउट टू बी इन मीटर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर क्यूब. 8 इंटू 3.14 सो दिस इज 25.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर क्यूब. अब इन दोनों वॉल्यूम का हमको रेशियो निकालना है. सो मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम ये हमारे पास आएगा 22.4 इंटू दिस इज लीटर्स. लीटर्स को मीटर क्यूब में करेंगे. सो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 25.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ये 22.4 है, 25.12 इस नंबर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ऑर्डर पता चलेगा. सो ऑर्डर आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 7. सो दिस इज 10 टू द पावर 4. यानी कि सर जो मोलर वॉल्यूम है एटॉमिक वॉल्यूम से 10,000 गुना ज्यादा है. इट इज 10 टू द पावर 4 टाइम्स द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. यानी कि सारे आप हाइड्रोजन गैस एटम्स को एक साथ पैक कर देंगे, ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई की है ये उसका 10,000 गुना है. अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पूरी गैस इतनी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रही है बट एक्चुअल जो एटम्स की वॉल्यूम है वो हमारी इससे 10,000 गुना छोटी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि गैसेस फॉर्म के अंदर जो एवरेज सेपरेशन है दो एटम्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए रेशियो इतनी बड़ी आई है. व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज? आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस. क्योंकि यार दो एटम्स के बीच में ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत है, सेपरेशन बहुत है, इसी वजह से मोलर वॉल्यूम ज्यादा निकल कर आई है अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन की वॉल्यूम से कंपेयर करोगे. नाउ एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली. इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज हाउसेज एटसेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन द अपोजिट डायरेक्शन बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक द हिल्स मून स्टार्स एटसेट्रा सीम टू बी स्टेशनरी.
In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. जब आप ट्रेन के अंदर सफर करते हो, कार के अंदर सफर करते हो और आप सड़क के किनारे वाले पेड़ों को देख रहे हो, तो वो तेजी से पीछे जाते हैं आपके रिस्पेक्ट में. आपकी गाड़ी आगे चल रही है, ट्रेन आगे चल रही है, ये सभी ऑब्जेक्ट आपसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए हमको दिखाई देते हैं. अब वहीं पर आप दूर के खेतों में देखना स्टार्ट कर दोगे, दूर की चीज़ें जो पेड़ बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो ऐसा लगेगा कि वो धीरे से मूव कर रहे हैं पीछे. और थोड़ा और कोई दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी गाड़ी के साथ साथ आगे चल रहा हो. आप अगर एक हाईवे से जा रहे हैं और बाहर आपको चांद दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई. आपकी गाड़ी मूव कर रही है, पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हुई, यानी कि चंद्रमा जो है आपके साथ साथ ही मूव कर रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा. अब ये सर क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ साइट. इसका रीजन है लाइन ऑफ साइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या हमारी गाड़ी जो है इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. नाउ सर, इमेजिन करते हैं कि एक बार हमारी गाड़ी की लोकेशन ये है और एक बार हमारी गाड़ी की लोकेशन ये है. गाड़ी सेम नहीं लग रही लेकिन काम चला रहा. और एक बार हमारी गाड़ी की लोकेशन ये है. अब सर, जो पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे, जो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, जो आपको बिल्कुल इस लोकेशन पर दिखा, खिड़की से बाहर देखा आपने, पेड़ देखा, इमेजिन करो कि ये एक पेड़ है, ठीक है. सो ये आप जब इस लोकेशन पर पहुंचे, इसकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई, यहां ये बिल्कुल आपकी कार के पास था. आप यहां पर पहुंचे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फिर जब आप यहां पहुंचे तो इसकी लाइन ऑफ साइट इस तरीके से है. आपको इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती हुई बहुत रैपिडली दिखाई देगी और इसलिए तेजी से पीछे जा रहा है. आप इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन भी समझ सकते हो. लेकिन अगर हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहां पर है, बहुत दूर है, ठीक है, अगर इस तरह से ज़्यादा बेटर समझ आएगा. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है और एक बार आप इस लोकेशन पर थे, एक बार आप इस लोकेशन पर, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है, जो एंगुलर पोजीशन, वो बहुत ही कम चेंज हुई है. और जब हम सूरज चांद को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, उनकी एंगुलर पोजीशन जब हम मूव करते हैं तो बहुत कम चेंज होती है. इसलिए वो हमेशा हमारी लाइन ऑफ साइट के अंदर रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ मूव कर रहे हैं. और वहीं पर अगर हम किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो यहाँ पर था, एक समय पर उसकी एंगुलर पोजीशन ठीक आपकी आँख के सामने है और यहाँ वो आपकी लाइन ऑफ साइट से एकदम हट गया और धीरे धीरे वो आपकी लाइन ऑफ साइट से गायब भी हो जाएगा. सो ये रीज़न है कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो तेजी से पीछे मूव करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी एंगुलर पोजीशन यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है हमारे रेस्पेक्ट में, वो बहुत जल्दी चेंज होती है. और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके लाइन ऑफ साइट हमारी चेंज नहीं हो पाती. आई होप ये बात समझ आई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलेक्स. एनसीईआरटी के अंदर पैरेलेक्स की बात की हुई है और उस पैरेलेक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. अगर आप एक काम कर सकते हैं कि एक बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में खड़े हो जाइए और अपने हाथ में कोई पेन ले लीजिए, पेन ही ले लीजिए, ठीक है, और बैकग्राउंड जो है सामने वाली दीवार थोड़ा आपसे दूर होनी चाहिए और वहां पर कुछ आप एक मार्क लगा दीजिए, ठीक. तो आप अपनी एक आंख क्लोज करिए और इस पेन की टिप को देखिए और आपने दीवार के ऊपर जो मार्क लगाया है उसको देखिए. फिर आप अपनी दूसरी आंख बंद करिए, पेन की टिप को देखिए और दूसरे वाले मार्क को देखिए, दूसरी आंख को क्लोज कर. तो आप देखेंगे दीवार पर जो मार्क है उसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई. पहले यार वो इसके इस साइड था, फिर वो इसके इस साइड आ गया. अभी चेंज कैसे हुआ? ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच में एक गैप है. कितना गैप? ये लगभग एक उंगली के बराबर का. आप जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो और एक ही आंख से देख रहे हो, तो हमारी लाइन ऑफ साइट ये है और हमको ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अंदर दिखाई देगा. इसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप नहीं देख पाओगे.
और जब आपने ये आँख क्लोज की और आप इस आँख से देख रहे हो तो हमारी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो जब आप एक आँख बंद करते हो तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव होता आपको दिखाई देगा, इसी को हम बोलते हैं पैरालेक्स। ठीक है, यही चीज है पैरालेक्स। अब धरती के केस में क्या है, सूरज चांद सितारे, अगर हम इन सभी हेवनली बॉडीज की बात करें, स्टार्स की बात करें, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें, तो ये सभी स्टार्स बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि अगर ये हमारे अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड द सन, यहां पर आप मानिए दिस इज सन और यहां दिया हुआ है कि अर्थ की जो ऑर्बिट है इसकी एवरेज डायमीटर 3 × 10^11 किलोमीटर दी हुई है, मीटर सॉरी, ये मीटर्स में दिया हुआ है। सो ये जो सपोज करिए कि अर्थ हमारी एक पॉइंट पर यहां है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको हम बोलते हैं 1 astronomical unit। जो एवरेज सेपरेशन है बिटवीन द सन एंड अर्थ वी कॉल इट द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगी, इस डायमीटर का लगभग हाफ हो जाएगा, सो इट इज 1.5 × 10^11 मीटर। सो अगर आप कोई डिस्टेंट स्टार यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो जिसकी लाइन ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू सन इज लाइक दिस, और जब अर्थ से हम इस तारे को देख रहे हैं देन इट्स लाइन ऑफ साइट इज लाइक दिस। इट्स लाइन ऑफ साइट इज लाइक दिस। तो ये जो एंगल यहां पर बना, ये जो एंगल यहां पर बना, ये एंगल जब 1 second का होगा, 1 arc of a second, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, जो डिस्टेंस है हमारा, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 parsec, कि भैया ये डिस्टेंस अब 1 parsec का है। यानी कि ये जो पूरा हमारी जब आंखों के बीच में सेपरेशन था तो हमने रिलेटिव पोजीशन को चेंज होते देखा, यहां पर हम जो सितारों की पोजीशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड स्टार्स। ठीक है, ये बैकग्राउंड स्टार्स के रेस्पेक्ट में, जो डिस्टेंस स्टार्स हैं उस रेस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज होगी जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूमेगी। अब हमें ये एवरेज सेपरेशन पता है, ये एंगल हम जब 1 arc second का बनेगा तो हम 1 parsec डिफाइन करते हैं कि जब 1 arc second का एंगल बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पर बन रहा है। तो जब धरती यहां से घूमकर 6 महीने बाद यहां पर आएगी, हम 2 location से इस स्टार की पोजीशन देखेंगे बैकग्राउंड स्टार्स के रिस्पेक्ट में, और यहां पर कुछ आपको लगभग 2 second का अगर चेंज देखने को मिलता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 parsec। अब सर ये 1 second कितने रेडियन के बराबर होगा, इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि पैरेलेक्स आपको समझ आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, सर वी नो डैट 360 degrees दिस इज इक्वल टू 2π radians, देन सर 1 degree दिस इज इक्वल टू 2π/360 radians एंड 1 degree इज इक्वल टू 3600 seconds, 60 minutes एंड 60 seconds, so this is equal to 2π/360 × 3600, this is 180, so it means that 1 second is equal to these many radians, 3600 is equal to these radian and 1 second
is equal to 2 pi by 180. Sorry, this is pi by 180 into 3600. Sorry, 3600 is also in the denominator. When you will solve it, it will turn out to be 4.85 into 10 to the power minus 6 radians. 4.85 into 10 to the power minus 6 radians. अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि भाई ये 1 पार्सेक की जो डिस्टेंस है कितने मीटर्स के बराबर होगा जब यहां पर एंगल बन रहा है 1 सेकंड का. सो सिंपली हम इसको एस्टिमेट कर देंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा. थीटा यहां पर दिया हुआ है एंड R इज L इज दिस डिस्टेंस जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, 1.5 into 10 to the power 11 meters. So theta is R is, it is this distance. Is R ko hata ke main D hi likh deta hun. This is equal to D theta. So D is equal to L by theta. Now sir, D is equal to L by theta. L is 1.5 into 10 to the power 11 meters. And theta is 4.85 into 10 to the power minus 6 radians. So this is 1.5 upon 4.9 into 10 to the power 17. And this would be equal to, this is 15 by 49. And this 3 times is 147 and if it will go 8 times, it will not go 8 times, 7 times or approximately 6 times. So we are having, this is roughly equal to 3 into 10 to the power 16 meters. So this is 1 parsec. And in fact, 1 parsec jo distance hai, wo kitne meter ke barabar hota hai? Agar hum aur better calculations use karenge, so 3.08 into 10 to the power 16 meters. So 1 parsec is this much meter. Aur 1 parsec hai kya? Koi distant object. जब आप अर्थ की दो डिफरेंट लोकेशन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां पर अगर एक सेकंड का एंगल बन रहा है वो डिस्टेंस हमारा होता है 1 पार्सेक. और 1 पार्सेक इज इनफैक्ट डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सो ये जो लेंथ है जहां पर एक सेकंड का एंगल बनाएगी जितने डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस हमारा 1 पार्सेक है. So this was the question. Now the next one is, the nearest star to our system is 4.29 light years away. सबसे जो नजदीक तारा है 4.29 light years की दूरी पर है. How much is this distance in terms of parsecs and how much parallax would this star show when viewed from two locations of Earth 6 months apart in its orbit around the sun? अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. डिस्टेंस इज गिवन एज 4.29 लाइट ईयर्स. सो लाइट ईयर्स को मीटर्स के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. 4.29 वन लाइट ईयर यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन ईयर. वन सेकेंड के अंदर लाइट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर्स इन वन सेकेंड. And in 1 hour, we are having 3600 seconds.
And how many hours we are having in a day? We are having 24 hours into 365. So, ये आंसर हमारा निकल कर आएगा मीटर्स के अंदर. This answer would be in meters. 4.2 light year कितने मीटर के बराबर होगा? इतने मीटर के बराबर होगा. और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा that one parsec, this is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meters. So 4.29 light years के अंदर कितने parsec होंगे? मैं इसको divide कर दूंगा 3.08 10 to the power 16 meters से, और हमारे पास parsecs के अंदर ये distance आ जाएगा. और वैसे 1 parsec it is equal to 3.26 light years. आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ पार्सेक्स इन 4.2 लाइट ईयर. ठीक है, पार्सेक्स में डिस्टेंस कितना होगा, यहां से आ जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट इज हाउ मच पैरेलेक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट. सो ये दो लोकेशन है अर्थ की 6 महीने की दूरी पर, आधी जर्नी अर्थ अपनी कवर कर लेती है. सो हमसे पूछा है कि पैरेलेक्स कितना होगा इस अल्फा सेंचुरी से. अगर इसको हम मान लेते हैं अल्फा सेंचुरी, यानी कि दो लोकेशन से देखने पर ये एंगल थीटा हमारा कितना होगा. अब डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ है 4.29 लाइट ईयर्स, मीटर्स के अंदर भी हमने इसको निकाल लिया, और ये जो सेपरेशन है 6 मंथ अपार्ट, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था 3 × 10^11 मीटर्स, यानी कि आर्क लेंथ आपको दे रखी है. एंगल बहुत छोटा ही है क्योंकि डिस्टेंस एनॉर्मस है. सो 3 × 10^11 मीटर, दिस इज इक्वल टू डी इंटू थीटा. अब ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है पार्सेक्स के अंदर, लाइट ईयर के अंदर 4.29 लाइट ईयर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, थीटा यहां से आ जाएगा. सो थीटा इज इक्वल टू 3 × 10^11 मीटर्स डिवाइडेड बाई डी. डिस्टेंस हमारा कितना है 4.29 into 3 × 10^8 into 3600 into 24 into 365. एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड. सो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मीटर के अंदर, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस आंसर वुड बी इन रेडियंस. कितना यहां पर हमारा एंगल बनेगा, दिस वुड बी दी एंगल. सो गाइज, वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटीज. अभी के लिए इतना ही, और हम 12th क्लास का सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो चुका है और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम करने वाले हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो बिल्कुल कोर फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है वो ये एरिया ही है. पूरी फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स ही हैं, और यहाँ पर मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इस पहले चैप्टर के अंदर हम सीखते हैं. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. आप भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स ट्राई करिएगा, काफ़ी डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.